कि त्रेसु अगर तुम्हें किसी बात का शक है तो क्यों ना युहाची सैन से चेक कर लिया जाए। ठीक कहती हो मियोको, तुम चलोगी मेरे साथ? आज क्लास साफ करने की मेरी बारी है, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक है, फिर साथ चलेंगे। कित्रेत्सु, तुम? मैंने आसपास कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं डर गया। इसका मतलब आसपास कहीं असली हाथी है? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने रात को थोड़ा सा जूस पिया था, उसके बाद मुझे नींद आ गई। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? सॉरी मिस्टर बेंजो, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मेरी मदद करो। किस तरह के बच्चे हैं आजकल के, किसी को मुसीबत में देखकर मदद भी नहीं करते। क्योंकि कितरेत्सु के पास मैजिक टॉर्च है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ही इसे अपने पास रखो। और मैं मम्मी पापा के आने से पहले दुकान को ठीक कर देता हूँ, वरना मेरी खैर नहीं। अच्छा सुनो टोंगारी, मैं तुम्हें कोरोसुके का सीनियर बना रहा हूँ, और अब से तुम भी हाथी की देखभाल करोगे, याद रखना। लेकिन मैं क्यों करूँगा? तुमने कहा था ना कि मैं जो भी कहूँगा तुम वो करोगे। अरे हाँ, आइडिया, हमें मैजिक टॉर्च कितरेत्सु साइसामा के घर से मिल सकती है। क्या सच में कितरेत्सु? लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो रहते कहाँ है। इन सब चीजों को वापस अपनी शेप में लाने के लिए मैजिक टॉर्च को ढूंढना होगा। चलो उसे मिलकर ढूंढते हैं। वैसे वो टॉर्च जा कहाँ सकती है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे कोई फायदा नहीं, और बिना किसी काम के कितरेत्सु साइसामा से मिलना ठीक नहीं होगा। मुझे उनसे मिलना था। बूटा गोरिडा। जी सर। तुम ये बताओ कि क्या तुम ये जिम्मेदारी लेना चाहोगे? बोलो बूटा गोरिडा। तुम फिर से क्लास में बेकार की बातें कर रहे हो, क्या तुमने सुना कि मैंने अभी क्या कहा? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कल से तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, प्लीज कितरेत्सु मान जाओ ना। तुम्हारा मतलब मैं कहूँ कि वो टेलीफोन कार्ड मैंने गुम किया है, यही चाहते हो ना? अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि वो कार्ड मेरा है। तुंगारी भी मुसीबत में है। हाँ कोरोसुके, अगर तुम्हारे पास फेंकने के लिए कोई चीज हो तो मुझे दे देना। तुम उसका क्या करोगे? मैं उस चीज को आराम से क्लास में ढूंढ लूंगा। जानते हो, जब मैं जूनियर स्कूल में था तब मैं भी चीजें गुम करने और उन्हें ढूंढने के लिए बहुत मशहूर था। अच्छा, तो आप भी अपने जूनियर स्कूल में मशहूर थे? हाँ बिल्कुल। मैडम, आज मैं अपने बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे को क्लास में एक पोजीशन मिली है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, फायदा उठाइए। जैपनीज कैलकुलेटर और बॉल कितरेत्सु की है। मियोको, अगर तुम्हारे पास फेंकने के लिए कोई चीज है तो उसे गुम कर दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अगर चीजें गुम होती रहेंगी तो बूटा गोरिल्ला खुश रहेगा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन हाँ, उसके पास एक रेड पर्स था और वो तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था बेटा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी इतनी तलाश नहीं करता मामा। अच्छा लाओ, अब मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ए, पैसे किस लिए? अरे मैंने उस लड़के को 1000 रुपए दिए थे ना, इसलिए। क्या? लेकिन मैं तो 1000 रुपए उसके घर पर रख कर आया हूँ मामा, ये क्या किया आपने? तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते रहते हो? मैंने क्या गलत काम किया मामा? दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।